मोदी सरकार की विफलताओं की अगर एक सूची बनाई जाए, बड़ी लंबी सूची होगी, वो तो आप भी मानते हैं, तो उसमें मुझे लगता है कश्मीर काफी ऊपर स्थान पाएगा। आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, एक ऐसा वातावरण पूरे देश में बनाया, एक ऐसा नैरेटिव बनाया कि कश्मीर, जिसको पूरा विश्व एक टेरिटोरियल इशू मानता था, एक पहचान का मुद्दा मानता था, आज उसको आपने एक सांप्रदायिक रंग दे दिया। अभी इसी हफ्ते एक वरिष्ठ पत्रकार की हत्या हुई, राइफलमैन को अगवा कर दिया, फिर उसको मार दिया गया। 27 दिनों में 57 बड़े हमले हुए और ये 1990 के दशक के बाद कश्मीर की ये स्थिति शायद उससे भी बदतर हो रही है। जब यूपीए सरकार थी तो कश्मीर में जब चुनाव होते थे 71% पोलिंग होती थी। आज हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जिसमें बायपोल नहीं हो पा रहे हैं, अनंतनाग उसका नाम है, 7% पोलिंग हुई इनके दौरान जो एक बायपोल हुआ उसमें। ये स्थिति कश्मीर की इन लोगों ने बना दी। कठुआ का हादसा हुआ, उसको भी सांप्रदायिक रंग दिया, एक 8 साल की बच्ची के साथ इस तरह की हैवानियत हुई और उसको भी आप सांप्रदायिक रंग दें, आपके अपने मंत्री दें जो पीडीपी के साथ अलायंस में सरकार चल रही है, उसके महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के मंत्री उसको सांप्रदायिक रंग देते जाए, तो आप कश्मीर को सांप्रदायिक बना रहे हैं, आप कश्मीर को अपनी सांप्रदायिक राजनीति की एक घिनौनी प्रयोगशाला बना रहे हैं। इट इज द लैबोरेटरी ऑफ योर एक्सपेरिमेंट्स। कश्मीर को आप कौन सी नीति की विफलता मानते हैं? आंतरिक नीति की विफलता तो है ही, आपकी विदेश नीति की भी विफलता इसमें स्पष्ट दिखती है। यूएन ने एक रिपोर्ट बनाई, फिर से दोहराता हूं, आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ये कभी इस तरह की रिपोर्ट कश्मीर पर नहीं बनी थी, एक तरफा रिपोर्ट। ये बाहर क्यों आने दी, ये बनने क्यों दी? आप इतना विदेश यात्राएं करते हैं, आप अपनी मसल फ्लेक्स करते रहते हैं, जिसको आप अपनी इनफॉर्मल यात्राएं जो आप करते हैं उसमें, जो आप तथाकथित आपने गुडविल बनाई, जो आप बार बार इसका बखान भरते रहते हैं कि विदेशों में आपने भारत का नाम रोशन किया, उसका लाभ क्या निकला, उसका सार क्या निकला? अगर यूएन इस तरह की, माफ कीजिएगा, घटिया रिपोर्ट ला सकता है तो कहां है आपकी विदेश नीति? क्या मिला हिंदुस्तान को आपके तमाम विदेशी दौरों से? टैक्स पेयर को क्या मिला जिसके पैसे से आप विदेश जाते हैं, जिसके पैसे से आप हर 11वें दिन पिछले 4 साल में विदेश में थे? क्या लाभ मिला? क्या हिंदुस्तान को आज आपकी वजह से सर नीचा करके नहीं देखना पड़ रहा? आपने इस रिपोर्ट को आने दिया, यह एक अपराध है मोदी जी, ये आपका अपराध है। कश्मीर में हम बहुत चिंतित हैं, आपने राष्ट्रीय स्तर पे कोई सर्वदलीय बैठक बुलाई हो तो आप बताएं। अमरनाथ यात्रा आ रही है, हम सरकार से मांग करते हैं कि आप अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के बारे में बताएं देश को, आप कितने संकल्प, क्या आपका कृत संकल्प है आप उसकी उनको सुरक्षा देने में, आप सक्षम हैं उनको सुरक्षा देने में, आपकी नीति क्या है? पिछले 4 साल से हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि एक सर्वदलीय बैठक आप बुलाएं, ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, ये राष्ट्र से जुड़े हुए गंभीर मुद्दे हैं, इनको आप हल्के में मत लीजिए, इन पर राजनीति मत कीजिए, इन पर सबको साथ जोड़कर चलिए। आपका एजेंडा फॉर एक्शन की एक जुबान है, आपके लोगों की कुछ और जुबान है, पीडीपी एक और अलग जुबान में बोलता है, आपकी विदेश नीति में भी यही है, अलग अलग जुबान में अलग अलग लोग बोलते हैं, होता कुछ है, कहा कुछ और जाता है, किया कुछ और जाता है, नतीजा कुछ और निकलता है। सुषमा जी एक तरफ कहती हैं टॉक्स एंड टेरर कैनॉट गो टुगेदर, दूसरी तरफ आप मोदी जी विदेशों में समिट में जाते हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलते हैं, क्या बात होती है आपकी वहां?
एनएसए बैंकॉक में जाकर अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं, क्या बातचीत होती है, जो भी आप करते हैं उसका नतीजा क्यों नहीं निकल रहा। देश तो यह जानना चाहता है नतीजा क्यों नहीं निकल रहा। हम आपकी हर बात मानने को तैयार हैं, आपकी हर विदेश यात्रा सफल मान लेते हैं। ये यूएन की रिपोर्ट क्यों आई? 27 दिनों में 57 हमले क्यों हुए? कहां गए वो मोदी जी जो एक सर के बदले 10 सर लाना चाहते थे? कहां गई वो सुषमा स्वराज जिनका खून खौलता था उस वक्त एक भी हादसा हो जाता था? तो सत्ता में आने के बाद खून ठंडा क्यों हो जाता है आपका? कश्मीर इस सरकार की, मैं दोहरा रहा हूं, शायद सबसे बड़ी विफलता में एक मानी जाएगी। उनकी बाकी विफलताओं के बारे में हम बार बार इस मंच से आपको बताते रहते हैं, अवगत कराते रहते हैं, लेकिन कश्मीर बहुत गंभीर समस्या है। उसमें राजनीति हम नहीं करना चाहते, ना हम चाहते हैं कि सरकार उस पर राजनीति करे, ना हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी या पीडीपी कोई भी उस पर राजनीति करे। हम बार बार आपको बोलते हैं, याद दिलाते हैं, बुलाइए सर्वदलीय बैठक, चर्चा कीजिए, रास्ता निकालिए। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के बारे में हम चिंतित हैं, पूरा देश चिंतित है, उसके बारे में आप क्या कदम उठा रहे हैं वो बताइए, क्योंकि आपने जो पिछले एक महीने में कदम उठाए उसका नतीजा ठीक नहीं निकला है।